ये सर रूपा जी, बात करें अगर चने की, तो चना देख रहे हैं कि 5185 पर कारोबार करता नजर आ रहा है, हल्की सी करेक्शन है। लेकिन रूपा जी, खबर ये भी निकल के सामने आई कि बीते सत्र में जो बैठक हुई थी कैबिनेट की, उसमें चने की MSP में बढ़ोतरी की गई है। पहले 5100 रुपये प्रति क्विंटल थी, अब 130 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 5230 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। तो रूपा जी, आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से सरकार ने ये फैसला लिया है किसानों की आय बढ़ाने में, तो इससे चने का बाजार कैसा देखने को मिल पाएगा आगे जाके? क्या चने में अभी और खरीदारी निकलेगी? देखिए, अब छोटी मोटी हो सकता है कि यहाँ से बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दे, जो गिरावट थी वो थम जाएगी, क्योंकि लगातार जो बाजारों के अंदर गिरावट आती हुई देखने को मिल रही थी, जो आयात को लेकर सरकार ने नियम चेंज किए थे उसका एक इम्पैक्ट आया था। अभी पीछे दालों के ऊपर हमने गिरावट आते हुए देखी थी, अब वापिस से वहां से तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। ओवरऑल ट्रेंड तो देखिए पॉजिटिव ही था, कोई बहुत ज्यादा गिरावट के आसार नहीं थे, इसीलिए सरकार को भी डर है कि आगे दालों की कीमतें ना बढ़ जाए, तो उसको लेकर सरकार अभी से ही अपनी कमर कसती हुई नजर आ रही थी। और अभी फिलहाल MSP में बढ़ोतरी कर किसानों को प्रोत्साहित किया गया है और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आगे आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। और फिलहाल चना यहाँ से अभी एक बार सितंबर वायदा की अगर बात करें, क्योंकि अगले वायदा पे तो अभी सरकार सेबी ने रोक लगा रखी है कि अगले निर्देश तक अगला वायदा जो है वो शुरू नहीं होगा, और ये सितंबर वायदा जो है ये 5200 के आसपास हो सकता है कि इसकी क्लोजिंग आती हुई हम देखें।